श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं पंडित नरेश चंद शर्मा। मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा, मैं आपको वास्तु में ये बताने जा रहा हूँ कि वास्तु के घर में कौन कौन से ऐसे दोष हो जाते हैं जिनके कारण से घर का पूरा पूरा विनाश हो जाता है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज आपके सामने प्रकाश डालने वाला हूँ। ये देखिए, मैं सीधा विषय पर आता हूँ। मैंने यहाँ पर एक प्लॉट का नक्शा बनाया हुआ है, चतुर्भुज बनाया हुआ है। यदि किसी के मकान में चतुर्भुज भी नहीं है और ये एक मात्र केवल प्लॉट है, किसी भी प्रकार से, चाहे वो भुजाएं छोटी हैं या बड़ी हैं, किसी भी प्रकार से भुजाएं हैं, आप उसको सबसे पहले ये जानेंगे कि हम जो आप दिशाओं के ज्ञान को यदि जान लेंगे तो दिशाओं के ज्ञान से आप ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सा दोष का कारण है हमारा मकान। ये देखिए, ये मैंने एक प्लॉट खींचा है, ये इसमें ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, पूर्व पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। मकान का ये मैंने खींचा, इसके बाद में यहां पर ये कोण नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, और ये कोण नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, और ये कोण ईस्ट साउथ अग्नि कोण, ये कोण वेस्ट साउथ नेत्र कोण। जब भी हम बात करते हैं किसी भी मकान के दोष को बताने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि उसके कौन सा कोण ऊर्जित है और कौन सा कोण उसका नेगेटिव है। तो ये मैं आज बात का, जो आज का मैं विषय आपको बताने जा रहा हूं, वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यदि आपके ईस्ट कोण में, यदि आपके पूर्व के कोण में कोई गड्ढा है, कोई लैट्रिन का टैंक है, या कोई भी आपके पूर्व के कोने से, अगर हम इसको गणित करें तो ईशान तक, पूर्व के कोने से लेकर ईशान तक, और यदि इस भुजा के नौ हिस्से करें तो तीन हिस्से तक, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये वास्तु का देव जो बैठा हुआ है, वास्तु के देव का यहां पर मुख है, और इस मुख पर, यदि इस मुख वाले क्षेत्र पर आपके पर, यदि यहां पर सीढ़ियां बनी हुई हैं या कोई भी लैट्रिन का टैंक सेफ्टी टैंक बना हुआ है, या कोई भी मकान पुराना आपने लिया और उसके अंदर आपने कुएं को भरवा कर रख दिया, जब तक कुआं जल दे रहा, टंकी जल दे रही है, जब तक कुछ भी है तब तक ये अच्छा है, यहां से आपने हैंड पाइप लगा हुआ अच्छा है, तो यहां से समर पिविल लगा रखा तो अच्छा है, लेकिन यदि आपने यहां पर सेफ्टी टैंक है आपके यहां पर, यदि और या यहां पर लैट्रिन का टैंक है, या यहां पर कोई भी सूखा कुआ है, या यहां पर आपने कोई सीढ़ियां चढ़ा दी है, सीढ़ियां चढ़ाई आपने, यदि आपने यहां सीढ़ियां चढ़ा दी है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का ईशान और पूर्व कोण के अंतर्गत यदि आपने किसी तरीके के भी गड्ढे कर दिए हैं, या लैट्रिन का टैंक है, सूखा कुआ है, सेफ्टी टैंक है, या सीढ़ियां चढ़ा दी हैं, तो इनका कितना खतरनाक दोष है, ये मेरा आज का विषय है। तो मैंने आपको ये कोण बताया है कि इस कोण के द्वारा आप इस कोण से कितने सतर्क रहें। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यदि सिर्फ उस कोने के अंदर ये चार दोषों में से कोई दोष है, तो आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, आप अपने घर में देख लेना, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि लैट्रिन का टैंक पूर्व में आ गया है और ईशान कोण में आ गया है, सबसे नंबर एक कारण मैं आपको बताता हूं, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आपकी कितनी भी कुंडली अच्छी को ना हो, उस घर का बच्चा पढ़ेगा नहीं, उस घर का बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा,
उसका दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसे बखर के बच्चे कितना भी खान पान अच्छा खाए पिए, लेकिन आपको उनका किसी को भी खाना नहीं लगेगा, अधिकतर सबका पेट खराब रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके वाणी में दोष होगा और बिल्कुल सूखे के रोग ऐसे व्यक्तियों को लग जाते हैं। मैं ज्यादा बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे दोष के कारण पति पत्नी में झगड़े, पूरे परिवार के अंदर झगड़े, किसी का एक निर्णय पर नहीं ठहरना, ये सारे दोष ईशान कोण में गड्ढा होने से, लैट्रिन टैंक होने से, सूखा कुआ होने से, या और भी दोष, मैं यदि मैं बहुत ज्यादा मानूं तो सीढ़ियों का दोष। अब इसे क्यों कहा मैंने ऐसा सब कुछ, देखिए वास्तु का देव जब सोता है तो उसका मुख जो होता है वो पूरब की तरफ होता है, वो ईशान की तरफ होता है। और वास्तु का देव जब उधर सो रहा है उसका मुख वहां है, उसके मुख में आप मैला भरोगे, लैट्रिन भरोगे, या सूखा कुआ छोड़ दोगे, या आपने वहां पर कोई नींव डाल करके सीढ़ियां खड़ी कर दी, तो उसने उसके क्या कहा, उसके सिर में आपने कील ढोक दी, तो वो कील आपने वास्तु देव के सिर में नहीं ढोकी है, आपने वो जो भी दोष करा है वो सारे के सारे दोष आपने अपने परिवार के सदस्यों के सिर में कर दिए हैं, मुख में कर दिए हैं, जिस कारण से ये बहुत बड़ा एक वास्तु दोष है। इस वास्तु दोष से आप लोग बचे। यदि आपके घर में ये दोष है और कोई आकर के कहता है कि मैं इसको दूर कर दूंगा, ओम बना दूंगा, काला ओम बना दूंगा, या मैं इसके तरफ तांबे के तार तोड़ दूंगा, या कोई दहाड़ता हुआ शेर लगा दूंगा, मुझे बहुत सारे कारण पता है, लेकिन इनसे किससे भी वो दोष दूर नहीं हो सकता, आपको वो लैट्रिन का टैंक बंद ही करना पड़ेगा। एक बात और, जो फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति हैं जिनके में लैट्रिन में टैंक नहीं है वहां पर, लेकिन लैट्रिन है, लैट्रिन वहां पर है, उस कोने में लैट्रिन है, तो उनको भी वास्तु का उतना ही दोष है। मैंने आज आपको प्रयास किया कि वास्तु में इस कोने में ये चीज होने के कारण आपको किन किन दोषों का सामना करना पड़ेगा। आगे भी मैं अन्य विषयों पर प्रकाश डालता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।